स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, दूरदर्शी। दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूर का मतलब इतनी दूर नहीं कि वो आपके आर पार जा रही दिखाई नहीं दे रही है। दूरदर्शी से मतलब है कि जो वस्तुएं आंख पर आपका छोटा दर्शन कोण बना रही थी, इस वजह से दिखाई नहीं दे रही थी, उनका प्रतिबिंब बड़ा करके जिसकी वजह से आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनने लगे, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सारा खेल तो दर्शन कोण का होता है। अगर कोई वस्तु आंख पर छोटा दर्शन कोण बना रही है तो वो हमको छोटी दिखाई देगी, और अगर कोई वस्तु आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना रही है तो वो हमको बड़ी दिखाई देगी। अब जो दूरदर्शी है टेलीस्कोप, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि अपवर्तन होगा। तो इसी वजह से इस दूरदर्शी को हम अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, और जो ये परावर्ती दूरदर्शी है, इसे न्यूटनी दूरदर्शी भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है? इसका इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से जो दूर स्थित वस्तु है जिसकी वजह से वो आंख पर बहुत छोटा दर्शन कोण बना रही है, उसका बड़ा प्रतिबिंब करके अब ये आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी के लिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा और इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए सबसे पहले एक बेलनाकार किसी धातु की नली है, जिसमें कहीं दूर कोई वस्तु स्थित है। ऐसे हमने मान लिया कि कोई वस्तु है ए बी, ये कहीं बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है, इसीलिए यहाँ से लाइन से हमने डैश 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 करके बनाया है, जिसका मतलब ये कहीं दूर है। और जो ये बेलनाकार नली है, इसमें बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये रहा आपका उत्तल लेंस, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, हमने लिखा ओ, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो ये अभिदृश्यक लेंस है, अनंत से जो दूर स्थित वस्तु है उससे किरणें आ रही हैं और इस पर ऐसे आपतित होती है, इस तरीके से ये किरणें आपतित हुई और ये ऐसे आई, ऐसे कुल मिला के ऐसे किरणें आ रही हैं, और ये जिस बिंदु पर कट करी यहां करके, ये किरण जिस बिंदु पर कट करी ऐसे, वहां पर इसने प्रतिबिंब बनाया, ये रहा प्रतिबिंब। ये जो वस्तु थी ए बी, इसका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ए, ए डैश और बी, ये बी डैश। तो ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे हमने ओ से लिखा। जो अनंत पर स्थित वस्तु है ए बी, इससे आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिली, वहां पर अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया। अब जो ये प्रतिबिंब है, आपको पता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनाई होगी? फोकस पर। और अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनाएगी? अनंत पर। यहां पर वस्तु कहां है? अनंत पर। तो इसने प्रतिबिंब कहां पर बनाया होगा? फोकस पर। तो ये दूरी इसकी क्या है? फोकस दूरी।
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो हमने क्या लिखा, एफ ओ। और ये आगे दूसरा लेंस है जिसे हम बोलते हैं नेत्रिका या नेत्र लेंस, जो कि छोटी अभिनेत्र लेंस, जो कि छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस है। छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का जो उत्तल लेंस है, इसे हम बोलते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका, आई लेंस। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इस, किससे लिखे हमने इस लेंस को, इस। अब ये इसके फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में स्थित है, तो इसका ये प्रथम फोकस यहाँ कहीं होगा एफ ई डैश, और इसका जो द्वितीय फोकस है इधर कहीं है एफ। तो जब ये इसके लिए अब कैसा काम करेगा, वस्तु की तरह कार्य करेगा। जब ये इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, तो अब इसका जो ये प्रतिबिंब बनाएगा, तो अब वो अंतिम प्रतिबिंब होगा। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा देखते हैं। आप इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जानते हो कि ये और ये, इनसे सबसे पहले ये किरण जा रही है ऐसे 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 ऐसे, कैसे ऐसे, और इससे जब हमने इस पर ये लंब डाला, थोड़ी सी बेमंटी कर लेते हैं, आप लोग स्केल रख के डायग्राम खींचेंगे, हम थोड़ा सा बेमंटी करके डायग्राम खींचे दे रहे हैं। तो हमने ऐसे मान लिया, जबकि ये तो सबसे बाद में मिलेगी, लेकिन हमने ऐसे ही मिला दी जिससे लाइन हमारी मिल जाए। अब यहां पर ये और ये 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 ऐसे, ये इसका उधर क्या है, द्वितीय फोकस एफ ई। इस नेत्रिका लेंस का ये प्रथम फोकस है और ये इसका द्वितीय फोकस है, और ये जो आई लाइन ये ऐसे, और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे ऐसे। यहां पर ये नेत्र ऐसे आपने बना दिया, इस तरीके से बढ़िया सुंदर से नेत्र बना दिए, जो कि टुकुर टुकुर किसे देख रहे हैं, इस प्रतिबिंब को। ये ए डैश है, ये ए डबल डैश, बी डबल डैश। तो अनंत पर स्थित जो वस्तु थी, अभिदृश्यक ने सबसे पहले इसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अपने फोकस पर बनाया, और ये फोकस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये अभिनेत्र लेंस के लिए नेत्रिका की तरह कार्य, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी, और देखो वस्तु इसकी उल्टी तो इसका प्रतिबिंब उल्टा, तो ये क्या बताएगा कि सीधा बन रहा है, तो इसके लिए कैसा है, सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। कहां पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, और ये इसके लिए क्या है वस्तु, तो इसकी दूरी क्या हो, क्या लिखेंगे, यू ई। अब आपको पता है कि अब इसने अंतिम प्रतिबिंब अगर पूछा जाए, तो वस्तु का अगर वास्तव में देखा जाए, तो वस्तु ये है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो पूरे दूरदर्शी के द्वारा बनाया गया है, वो ये है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब एक बार फिर से पूरी बात को जल्दी से सुन लेते हैं कि ये पहला लेंस क्या है, अभिदृश्यक लेंस, और ये क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु, वहां से आने वाली किरणें इसके फोकस पर ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाई, और ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, और क्योंकि यह इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है, अतः इसका आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। और ये नेत्रिका के लिए क्या है, प्रतिबिंब, और फाइनल प्रतिबिंब भी दूरदर्शी का यही है। इस तरह से दूरदर्शी बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है, मतलब पहले वस्तु द्वारा कितना दर्शन कोण बन रहा था, ये वाला अल्फा, और अब जो प्रतिबिंब है वो कितना दर्शन कोण बना रहा है, बीटा। तो इसने क्या करा, एक छोटे दर्शन कोण को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब आप ये ध्यान से डायग्राम बना लेंगे, समझ लेंगे, और अगली क्लास में हम इसकी आवर्धन क्षमता बताएंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है तब के लिए, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब के लिए। थैंक्स लास्ट तक हमारा वीडियो देखने के लिए।